सिलाई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अधिकारी जगमाल सिंह ने बताया कि गत दिनों गश्त के दौरान पुलिस की गाड़ी ने एक पिकअप का पीछा किया, जिसमें कुछ लोग गाय डालकर ले जा रहे थे। प्रवीण सिपाही व 3-4 अन्य सिपाहियों ने पिकअप को रोकना चाहा, तो आरोपी ने पहले गाड़ी को टक्कर मारी और फिर फायरिंग भी की, जिसमें प्रवीण सिपाही घायल हो गया था। उन्हीं में से एक सहयोगी साथी अकबर पुत्र रहमान मेव को UIT पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जगमाल सिंह ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी राहुल है और अकबर उसका सहयोगी है। इसको मऊ से गिरफ्तार किया है और जो प्रवीण सिपाही फायर किया था गश्त के दौरान, जब ये गाय पिकअप में बैठा कर ले जा रहे थे हरियाणा में, तो हमारे प्रवीण और 3-4 मोस्टर गाड़ी में थे, उन्होंने पिकअप को रोकना चाहा, तो इन्होंने गाड़ी पहले तो टक्कर मारी, फिर उसको गाड़ी पर फायर किया, जिसमें प्रवीण गंभीर रूप से घायल हुआ। मुख्य आरोपी राहुल है, ये उनके सहयोगी है, किन किन धाराओं में इसको किया है? धारा 307 है, 332, 353। रोटरी क्लब के 24 सदस्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल ने भिवाड़ी में आयोजित अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त यूसी स्कैन स्कूल के किरण ओपन ऑडिटोरियम में रोटरी विद्याट्री फाउंडेशन एवं यूसी स्कैन स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत की, जिसमें रोटरी क्लब के अध्यक्ष संजय खन्ना एवं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के संबोधन के साथ साथ कॉग्निटिव ट्रेनिंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कालबेलिया नृत्य पारुल सिंगल द्वारा राजस्थानी नृत्य एवं देशभक्ति से पूर्ण नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर पोलियो मुक्त भारत का संदेश एवं यूसी स्कैन स्कूल में चल रहे अत्याधुनिक प्रयोगों से संबंधित कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कुमार कौशिक एवं विद्याप्री फाउंडेशन ट्रस्ट के चीफ पैट्रोन जस्टिस सुरेश चुग, BMS सचिव हरीश गौर, इनर विल की अध्यक्षा वेणु गर्ग एवं उनके कार्यकारिणी के सदस्य व रोटरी के सभी गणमान्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। नेशनल रोटरी क्लब के 21 सदस्यीय UK से टीम आई है, जो रोटरी द्वारा संचालित प्रोजेक्ट हैं, जो परमानेंट प्रोजेक्ट जिनको बोलते हैं, उनको देखती है और पोलियो के ऊपर आई हुई है, क्योंकि रोटरी ने गौशाला के अंदर भी एक बायोगैस प्लांट परमानेंट प्रोजेक्ट लगाया है, जिसका अवलोकन किया है, और उस अवलोकन को देख कर इनको जो नेचुरल गैस से यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, फूडिंग हो रही, खाना बनाया जा रहा है, लैंप जलाए जा रहे हैं, इससे बहुत प्रभावित हुई है ये टीम, और इसके लिए इन्होंने हमें कोऑपरेट करने के लिए, सहयोग करने का आश्वासन दिया। रविवार को महेश्वरी के प्रयाग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जवाहरलाल और रामलाल सिंह शिक्षण महाविद्यालय के प्रोफेसर युधिष्ठिर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रदर्शनी का उद्घाटन सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी जसवंत सिंह यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों ने विज्ञान प्रदर्शनी का जायजा लिया और बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट की जानकारी भी ली, और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जसवंत सिंह यादव ने कहा कि आज जीवन में विज्ञान का सर्वाधिक महत्व हो गया है। आज हमें प्रत्येक कदम पर विज्ञान की आवश्यकता होती है, ऐसे में विद्यालय को समय समय पर विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन करते रहना चाहिए, ताकि बच्चों में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास हो सके। प्रदर्शनी में सैकड़ों की संख्या में बच्चों के अभिभावकों ने विज्ञान प्रदर्शनी का जायजा लिया और बच्चों को सराहा। इस अवसर पर विद्यालय संचालक डॉक्टर सूर्य कमल, केशा यादव, विमलेश कुमार, विनोद कुमारी, गोविंद सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
दिल्ली में आगामी 28 तारीख को रामलीला मैदान में गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए पुकार भरी जाएगी। लगभग 25 लाख लोगों को इस रैली में लाने का लक्ष्य रखा गया है। संत ने बताया कि यह यात्रा हल्दीघाटी से 4 दिसंबर 2012 से शुरू हुई थी और ये यात्रा 31 वर्ष तक चलेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि इस यात्रा के द्वारा हम गौ रक्षा व पर्यावरण चेतना का संदेश दे रहे हैं। संत के साथ मौजूद तिजारा के महंत जस्सू ने बताया कि संत के क्रांतिकारी विचारों से हम प्रभावित हैं। इसी को लेकर हमने 17 फरवरी को संत के क्रांतिकारी विचारों को सुनने के लिए कथा का आयोजन किया था। हमारी यात्रा 3 वर्ष पहले हल्दीघाटी से प्रारंभ हुई थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि भारतवर्ष में जो गाय माता की वर्तमान समय में दुर्दशा है, जबकि भारत का भविष्य गाय माता पर टिका हुआ है, उत्तम औषधि, उत्तम खाद, उत्तम दूध, ये सारी चीज़ें जो गाय माता से मिलने वाली है, इनकी चीज़ों की बिल्कुल समाप्ति सी होने की तैयारी है। जो गाय माता है वो दर दर की ठोकरें खा रही है, अधिकांश गाय कट के समाप्त सी हो चुकी है। लोगों में वापस जागरण हो इस बात का, लोग गाय माता के मूल्य को समझे, केवल दूध को नहीं समझे। दूध तो एक एक्स्ट्रा उत्पाद है, गाय माता के मुख्य उत्पाद के रूप में गोबर और गौमूत्र है, जिनकी कीमत दूध से भी ज़्यादा है। वो कीमत लोगों को वापस पता चले, वो बहुमूल्य है, उनकी कीमत वापस लोगों को पता चले और लोग गौ की सेवा शुरू करें, इसके लिए जन जागरण के लिए यात्रा निकाली। गाय के गौमूत्र और गोबर से बिल्कुल औषधि का निर्माण भी होता है और गाय को राष्ट्र माता के लिए काफी लोग काफी टाइम से प्रयास किए जा रहे हैं। जी, गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए लंबे समय से जो प्रयास चल रहे हैं, उसका एक बड़ा प्रयास अभी 28 फरवरी को दिल्ली में है। पूरे भारतवर्ष से लगभग 25 लाख लोग उस रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से इस चीज़ के लिए आग्रह करेंगे कि वेदों में जिस गाय माता को विश्व की माता बता रखा है, तो कम से कम हम उनको, अभी इस समय विश्व अपने हाथ में नहीं लेकिन भारत अपने हाथ में है, तो राष्ट्र की माता तो कम से कम उनको घोषित करें, ताकि गौ संरक्षण में सहयोग मिले और गौ माता की इज्जत वापस बढ़े। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे एक राष्ट्रीय संत, हमारे जो संपूर्ण भारत के 31 साल के ये पदयात्रा लेकर चले हैं, जिन्होंने भोजन का जो अन्न का त्याग किया है और नंगे पांव चलकर गांव-गांव में जो 7,000 गांव के होती हुई ये यात्रा आज मिलकपुर गुजर पहुंची है। मैं चाहता हूं कि इसका सौभाग्य जन प्राणी को लेना चाहिए। ऐसे संत हमारे जीवन में दोबारा नहीं आ सकते, जिन्होंने इनका लाभ नहीं लिया वो आने वाले समय में पछताएंगे, ऐसे संत के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। तो 31 साल तक अपने गांव गाय माता का प्रचार प्रसार अपने द्वारा कर रहे हैं और जन जन तक ये चेतना पहुंचा रहे हैं, गौ से हमें क्या क्या प्राप्ति हो सकती है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के कीटाणु पैदा होते हैं, अन्य प्रकार की दवाइयाँ खाते हैं, इनको मारने के लिए हमसे गौ से क्या प्राप्त हो सकता है, गौ माता को रखने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, पेड़ लगाने से हमें क्या प्राप्त होता है। ऐसे संत हमारे जीवन में दोबारा नहीं आ सकते, जो आज ये संदेश लेके जा रहे हैं, जन जन तक पहुँचा रहे हैं और जिन इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जो इनको नहीं सुन पा रहे हैं, आने वाले समय में कुछ लोग पछताएंगे जब लगेगा कि वास्तव में कोई संत हमारे गांव में आया और हमने उनका मान सम्मान नहीं कर पाया। भाजपा की सरकार और आप राष्ट्र गौ को राष्ट्र माता बनाने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्रीय शक्ति की इस समय पार्टी विराजमान है हिंदुस्तान के अंदर। जो मोदी जी है इस पर ध्यान दें और हमारे राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा करके बीजेपी सरकार है, बीजेपी को ये ध्यान देना चाहिए। साधु संत जो पुकार कर रहे हैं, जो बीजेपी का धड़ल्ले से साधु संत प्रचार करते हैं कि हिंदुत्ववादी पार्टी है बीजेपी, और अगर मोदी जी इस बात पर ध्यान नहीं देते तो ये सरकार को बहुत शर्मनाक बात होगी, और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए मोदी जी को और बीजेपी सरकार को।